फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सुनीसा ब्यूटी मशरूम हेयर एड ब्यूटी ब्लेंडर का। तो ये क्या है और किस लिए यूज़ करना चाहिए और यूज़ करने से क्या हमारे स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट होता है बहुत सारे लोगों का। तो मैं आप लोगों को बस यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से इसे यूज़ करना होता है। सो ये क्या है सबसे पहले वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये है ना सुनीसा, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर तरीका बताऊंगी कि किस तरह से इसे हमें अपने फेस पे अप्लाई करना होता है, जिससे कि हमारी जो स्किन है ना काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है। तो ये सुनीसा वाटर ब्यूटी एंड एयर पैड सीसी क्रीम है। एक तरह से ये सीसी क्रीम है, जैसे कि सीसी क्रीम आप नॉर्मली यूज़ करते ही हैं जो ट्यूब में आती है, तो उसी का ही ऐसा वर्जन है जो कि आप इसके अंदर दिए गए ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करके अपने फेस को इन्हांस कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है, बहुत ही अफोर्डेबल होती है। अमेजोन से लिया है मैंने इसे और आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो इसे मैं यहाँ से ओपन करके दिखा देती हूँ कि किस तरह का इसमें प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये देखिए अंदर का जो प्रोडक्ट है आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा ये। और इसके अंदर देखिए ये मशरूम हेडेड जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर है ना, मैजिकल ब्लेंडर, ये इसके अंदर है। और साथ ही साथ आपको ये मिल जाएगा सुनीसा का सीसी क्रीम। तो सबसे पहले हम इस ब्यूटी ब्लेंडर की बात कर लेते हैं जो मशरूम हेडेड है। बहुत ही अच्छा एक प्रोटेक्शन के साथ दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे होल दिए गए ताकि ये सांस ले सके, जैसे हमारे स्किन में हमें बोलते हैं ना जो रोम छिद्र होते हैं उनसे भी सांस लेने की, हमारे स्किन को भी सांस लेने की जरूरत होती है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जब भी देखो ब्यूटी ब्लेंडर आप ना इस्तेमाल करते हो तो इसे थोड़ा सा गीला करना होता है। तो जब आप गीला करके ना वापस से आप अपने इसे कैपिंग करके इसे रखोगे तो ये जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, देखिए जो सांस लेने की वजह से ना ये हवा जाता है और इसके अंदर कोई भी कीटाणु पनपते नहीं है, बैक्टीरिया नहीं बैठते। सबसे मेन रीज़न तो ये है, मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ। तो सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर की हमने बात कर ली ताकि ये अच्छी तरह से इसमें जो हवा है ना जाए अंदर जब हम इसे यूज़ करते हैं। वैसे तो ब्यूटी ब्लेंडर को कवर करने के ही रखना चाहिए ताकि इसमें बैक्टीरिया वगैरह ना लगे, ताकि आप इसे बार बार यूज़ कर सकें। ठीक है, वैसे तो आपको इसे जब भी आप यूज़ करते हो तो इसे अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसका पानी यूज़ करके उसे अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए। तो बस ये है, ड्राई होने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से ये दिया गया है। अदरवाइज इसके ऊपर ना छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स पड़ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। और देखिए ये ब्लैक कलर का है तो आपको इसमें पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब इतना अच्छे से डिटेलिंग में आई थिंक मुझे लगता नहीं किसी ने आपको बताया होगा। देखिए इस ब्यूटी ब्लेंडर का आपको ना हल्का सा ना गीला कर लेना होता है। और अब हम बात कर लेते हैं इस सुनीसा की। तो इसके अंदर जो सीसी क्रीम, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये इस तरह का मिरर। ठीक है, तो ये मिरर आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, आप देख के कर सकते हो। और यहाँ पे इस कैप जो दिया गया इसे पुल करना होता है। इसके अंदर एक वाइट कलर की प्रोटेक्शन लगी हुई है जो जस्ट आप यहाँ पे बीच में प्रेस करके ना इसे रिमूव कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जो ये ब्लेंडर ले रहे हो ना इसमें बीच में आपको टैप करना है। जो रोम छिद्र होते हैं हमारे स्किन पे ना छोटे 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 टाइनी टाइनी, और बहुत से लोगों के तो बहुत मोटे मोटे पोर्स होते हैं, उसे फिल अप करने के लिए सबसे बेस्ट ये ब्लेंडर। देख सकते हो आप, ये अच्छी तरह से जो आपके जो ओपन पोर्स होते हैं ना उसे देखिए भरने के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये, देखिए। तो इसीलिए ये यूज़ करिए ये मशरूम हेडेड ब्लेंडर। ये देखिए कितना अच्छा, और ये बहुत अच्छा सा मेकअप करने के बाद अगर आप चाहते हैं ना बहुत ही अच्छा ग्लॉसी फिनिश मिले आपको, देखिए तुरंत ही एक साइड और दूसरे साइड में मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो ये एक शेड जो है ना वो लाइटन हो जाती है आपकी स्किन, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये देखिए। और ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लगती है, जैसे आप नाइट पार्टी में जा रहे हो या फिर किसी भी शादी या फंक्शन में जा रहे हो तो आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से इसका पैटर्न काफ़ी अच्छा है, इसकी जो डिज़ाइन की मीन्स आपको जो दिख के आ जाती है ना, इससे बहुत ज़्यादा लोग इम्प्रेस हुए हैं। बट इसका मेन पर्पज़ यही है कि जब भी आप इसे यूज़ करें तो ये काफ़ी अच्छी तरह से जो आपकी स्किन पे है ना जो ओपन पोर्स है उसे फिल अप कर देती है बहुत ही अच्छी तरह से। ये देखिए, तो अभी आप देख सकते हो दोनों साइड इक्वल हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने पूरे फेस पे, और ये काफ़ी अच्छा है, ये देखिए एक शेड आपकी जो स्किन है ना वो अच्छी तरह से लाइट हो जाती है। आप इसे अपने पूरे फॉरहेड पे भी यूज़ कर लीजिए, तो पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेकअप करने के बाद इसे यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा और भी रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका। ठीक है,
आपको कैसी लगी रिव्यू जरूर बताइएगा कमेंट करके फ्रेंड्स। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे ना तो इजीली आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। इसके प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है बाय जरूर कर लीजिएगा अगर आप इसे चाहते हैं तो। सो चलिए इसे आप क्लोज कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ में, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो। इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस के रिव्यूज में लेकर आते रहती हूँ तो जरूर चेकआउट करिएगा मुंबई के बिंदु ब्लॉग्स चैनल को। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।